हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, पोस्ट टाइप्स क्या हैं, उनकी सैलरी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी आपके लिए, एंड एज लिमिट कितना है, फ़ीस कितना है एग्ज़ामिनेशन का, एंड टाइमलाइन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी आपके लिए, एंड मिनिमम एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैं आपको फाइनली एंड में बताऊंगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, समझ लेते हैं एसएससी क्या है। सो गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं उनको चार रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। और ग्रुप ए की जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी करता है, वेर एज बी, सी एंड डी की रिक्रूटमेंट एसएससी करता है। सो जो 2019 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकली है, ये ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट के लिए निकली है मेनली। ओके, सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ की पोस्ट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टेस्ट में जो आपकी स्किल्स टेस्ट की जाएंगी वो है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका कितना कमांड है, ये सब टेस्ट किया जाएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोस्ट जॉब प्रोफाइल्स के लिए ओनली टीयर थ्री तक का लेवल होता है। टीयर थ्री इज़ द फाइनल लेवल फॉर मोस्ट जॉब प्रोफाइल्स। ओनली फॉर द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट इन टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट टीयर फोर एग्जामिनेशन भी होता है। ओके, एंड ओनली फॉर द पोस्ट्स ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स एंड टेस्ट पैटर्न कैसा होता है सारे टीयर्स का। ओके, सो टीयर वन होता है, इट्स कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। टीयर टू की हम बात करें तो इसमें होता है, ये मेंस होता है, और इसको इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो है स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस ऑन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। देन इफ़ यू क्लियर टीयर टू, टीयर थ्री में क्या होगा, आपका रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो कि एसे एंड लेटर राइटिंग इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। एंड फाइनली टीयर फोर इज़ जस्ट फॉर दोज टू पोस्ट। तो अगर आप फिल करने वाले हो तो इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट आपका लिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो सबसे पहले हम टीयर वन एंड टीयर टू का पैटर्न देख लेते हैं। सो सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, चार सब्जेक्ट्स हैं और चारों के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनके ईच सेक्शन के मार्क्स होंगे 50। सो 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, दैट इज़ वन क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स, सो टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। ओके, एंड जो टाइमिंग है इस टेस्ट का, इट इज़ 60 मिनट्स, एंड वेर एज फॉर पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स इट्स 1 hour 20 minutes। अगेन सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं फॉर टीयर टू, एंड यहाँ पे होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 500 क्वेश्चंस फॉर 800 मार्क्स। सो एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, वेर एज ओनली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज वन क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, एंड ईच पेपर के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेगा, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 hours 40 minutes मिलेगा। बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर थ्री की। टीयर थ्री एक रिटन एग्जामिनेशन है, इसीलिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड होगा। एंड जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर इन द लैंग्वेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें आपको एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग आ सकता है। एंड इस एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स हैं 100 मार्क्स, एंड टाइमिंग इज 60 मिनट्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इट इज़ 1 hour 20 minutes। ओके, टीयर फोर की हम बात करें तो इट इज़ जस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगेन, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बात करते पोस्ट्स एंड सैलरी के बारे में, तो इस एग्जामिनेशन के लिए टोटल
पांच पे लेवल का पोस्ट निकाला गया है, दैट इज पे लेवल 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, सो मैं आपको एक लेवल एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज़ पे लेवल 8 एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप बाकी के पे लेवल्स अपने आप समझ पाएंगे। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ देती हूँ ऑफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एंड इसके अलावा मैंने फ़ोटोज़ भी डाले हैं ऑफ़ द अदर पे लेवल्स, सो दैट आपको रेफ़र करने के लिए ईजी हो जाए, तो आप उसका स्क्रीन शॉट भी लेके रख सकते हो। सो कमिंग टू पे लेवल 8, सो फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, दैट इज़ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अब ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कौन से मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के अंडर आता है? ये आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर, जो ये डिपार्टमेंट आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, एंड थर्ड कॉलम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला चार रैंक्स में डिवाइड होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ओके, एंड फोर्थ कॉलम में कौन से पीपल विद कौन से डिसेबिलिटीज़ इसके लिए परमिसेबल है इस पोस्ट के लिए, ये मेंशन किया गया है। एंड लास्टली आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए फॉर दिस पोस्ट, ये बताया गया है। ओके, सो पे लेवल 7 स्टार्ट्स फ्रॉम 44,900 टू 1,42,400, और ये सारे उसके पोस्ट हैं। पे लेवल 6 35,400 टू 1,12,400। ओके, ये सारे उसके पोस्ट हैं एंड डिपार्टमेंट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड पे लेवल 5 इज 29,200 टू 92,300। पे लेवल 4 इज फाइनली 25,500 टू 81,100। बात करते हैं एज एंड एलिजिबिलिटी की। सो एलिजिबिलिटी के लिए तो एज यू ऑल नो दिस इज SSC CGL, सो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ये, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, सो दैट इज़ द एलिजिबिलिटी नीडेड। एंड बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट में आप देख सकते हैं हर एक एज लिमिट के सामने SSC ने कुछ कैंडिडेट रिमार्क्स दिए हैं। सो फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट विच इज़ 18 to 27, सो उन कैंडिडेट्स के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट बॉर्न अर्लियर देन द डेट ऑफ 2 January 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 January 2002। ओके, तो जिनका जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको यू शुड नॉट बी हैव बॉर्न बिफोर 2 January 1993 and not later than 1 January 2002। ओके, सिमिलरली बाकी सारे एज ग्रुप के लिए भी उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिखे हैं, तो काइंडली वाइल फिलिंग अप द फॉर्म आप ध्यान से ये सारे रिमार्क्स पढ़िए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सो कमिंग टू परमिसेबल रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, सो कुछ कैटेगरीज़ के लिए SSC ने एज रिलैक्सेशन रखी है, यानी कि आप उतने एक्स्ट्रा साल वो एज लिमिट में ऐड कर लो अगर आप ये सब कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको उतनी रिलीफ मिल जाएगी। ओके, सो SC ST के लिए SSC ने 5 years रखा है, OBC के लिए 3 years, PWD अनरिजर्व के लिए 10 years, PWD OBC के लिए 13 years एंड PWD SC ST के लिए 15 years। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक कंडीशन रखा है उन्होंने। ओके, कमिंग टू एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल इज 100 rupees। ओके, फॉर SC ST वुमेन एक्स सर्विस मैन इट इज़ 0, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर SC ST वुमेन और एक्स सर्विस मैन। ओके, एंड पेमेंट मोड्स आर थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI चालान और SBI नेट बैंकिंग, तो ये चारों मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट आपको जैसे मैंने बताया 22 अक्टूबर 2019 को ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 25 नवंबर 2019 बाय 5 o'clock। ओके, 5 PM तक आपको भर देना है, बट आई वुड एडवाइज़ कि आप इतना डिले मत करिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी सिर्फ कुछ 18 डेज कुछ रह गए होंगे।
कमिंग टू द लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ओके? तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको 27 नवंबर इज़ द लास्ट डेट बाय 5 o'clock अगेन, बट आई वुड एडवाइस अगेन जल्दी कर दीजिए. एंड अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप लास्ट डेट फॉर ऑफलाइन पेमेंट इज़ 29 नवंबर, ओके? मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट प्लीज़ याद रखिए द लास्ट डेट इज़ 29 नवंबर, ओके? एंड कमिंग टू द एग्जामिनेशन डेट्स, टीयर वन का एग्जामिनेशन आपका 2 मार्च 2020 से लेकर 11 मार्च 2020 तक होगा. एंड अगर आप ये क्लियर कर गए तो डेट्स फॉर टीयर टू इज़ टीयर टू एंड टीयर थ्री इज़ 22 जून टू 25 जून 2020. बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर वन तो कॉम्पोजिट मार्क्स होगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. टीयर टू इंडिविजुअली मार्क्ड किया गया है, तो ईच पेपर ऑफ टीयर टू एंड टीयर थ्री भी कॉम्पोजिट है. सो इन तीनों टीयर्स के मार्क्स कंबाइन करके आपके अनरिजर्व के लिए 30% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, एंड अदर्स के लिए इट इज़ 20%, ओके? सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आर यूट्यूब चैनल. एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो डू सर्च अस बाय द नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फॉलो अस, ओके? थैंक यू, ऑल द बेस्ट.